गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी किसी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पर जो तीनों ही संकाय विज्ञान वाणिज्य और कला की जो ऑनलाइन क्लासें होती है उसके माध्यम से आप अपने यूनिवर्सिटीज एग्जाम और साथ में भी जो विभिन्न प्रकार के अब कंपटीशन एग्जाम आएंगे उनकी तैयारी है वो अनवरत जारी रख सकते हैं। आज की हमारी ये जो कलांश है वो विदेश नीति, एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। बीए फाइनल ईयर जो थर्ड ईयर है इसकी पोल साइंस की आईआर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। आज हम विदेश नीति, हम क्या सोच लेते हैं कि भाई विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों क्या एक ही है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि विदेश नीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनेक बार समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनेक बार हम क्या करते हैं, समानार्थक जो शब्द है इसके रूप में प्रयोग कर लेते हैं कि विदेश नीति है वही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। तो इसलिए ध्यान रखना है, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनेक बार हम क्या करते हैं, समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या है, गलत है। विदेश नीति अलग है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो क्या है, अलग है। इसमें फेलिक्स ग्रास एक विचारक है, फेलिक्स ग्रास, इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फेलिक्स ग्रास कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में जो विदेश नीतियां हैं, फॉरेन पॉलिसियां हैं, के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक दूसरे का पर्याय कदापि नहीं माना जा सकता। विदेश नीति का राष्ट्र के संबंध में प्रयोग किया जाता है, विदेश नीति का है वो राष्ट्र के संबंध में कि उस राष्ट्र है उसके उस राष्ट्र के साथ में संबंध है वो किस प्रकार है प्रयोग किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक मसला है और ये भारतीय विदेश नीति की राय में नई विश्व अर्थव्यवस्था समानता और न्याय पर क्या है, आधारित है। तो इस प्रकार से विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। इसमें कई बार हम क्या करते हैं कि विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अनेक बार समानार्थक शब्दों के रूप में हम प्रयोग कर लेते हैं कि विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों क्या एक ही है, परंतु फेलिक्स ग्रास ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फेलिक्स ग्रास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फेलिक्स ग्रास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन है वास्तव में जो विदेश नीतियाँ हैं उनके अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फेलिक्स ग्रास ये बात कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो आईआर है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, विभिन्न देशों की जो विदेश नीतियां हैं, फॉरेन जो पॉलिसियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो फेलिक्स ग्रास कहते हैं, पूछ ले दो नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए कि फेलिक्स ग्रास है इसकी परिभाषा क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में जो विदेश नीतियां हैं के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये बात कौन बोल रहे हैं, फेलिक्स ग्रास बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक दूसरे का पर्याय, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इनको एक दूसरे का पर्याय कदापि नहीं माना जा सकता। हालांकि अध्ययन हम जो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसमें विदेश नीति का अध्ययन करते हैं, फिर भी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक दूसरे का पर्याय है, एक दूसरे का पूरक है, कदापि नहीं माना जाता। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक दूसरे का पर्याय कदापि नहीं माना जा सकता। विदेश नीति का राष्ट्र के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। विदेश नीति का जो प्रयोग है कि एक राष्ट्र की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति वो किस प्रकार होगी, इसका जो है विदेश नीति का जो राष्ट्र के संबंध में प्रयोग किया जाता है। विदेश नीति का वो किसके संबंध में कि भारत की विदेश नीति कैसी होगी, तो विदेश नीति का राष्ट्र के संबंध में प्रयोग किया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक प्रमुख विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मसला है और भारतीय विदेश नीति की राय में नई विश्व अर्थव्यवस्था समानता और न्याय पर क्या हो, आधारित हो। तो इस प्रकार विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इसको एक दूसरे का पर्याय कदापि नहीं माना जा सकता। विदेश नीति का राष्ट्र के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो एक मसला है और भारतीय विदेश नीति की राय में नई जो विश्व अर्थव्यवस्था
और समानता और न्याय पर जो नई विश्व व्यवस्था है, जो नई भारतीय विदेश नीति की राय में नई विश्व अर्थव्यवस्था है, वो समानता और न्याय पर क्या होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। यहाँ नई विश्व अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर जो नई विश्व अर्थव्यवस्था है इसका विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य, मतलब नई जो विश्व अर्थव्यवस्था है इसका जो नई विश्व अर्थव्यवस्था है इसका विश्वव्यापी, जो संपूर्ण विश्व में क्या हो, लागू हो, विश्वव्यापी। या नई विश्व अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में प्रयोग हुआ है, जबकि इस मसले के प्रति भारत की विदेश नीति के, भारत की विदेश नीति राष्ट्र के संदर्भ में है, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि दोनों इतने अलग है कि उनमें कोई संबंध नहीं है। हाँ अलग है, पर दोनों ये भी नहीं समझना चाहिए कि दोनों क्या है, अलग है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम किसका अध्ययन करते हैं, विदेश नीति का अध्ययन करते हैं। भाई आईआर हमारा जो बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और इसी में हम विभिन्न जो है उनका क्या किया है, अध्ययन किया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मान लो, विदेश नीति मान लो, भारत के पड़ोसी जो राष्ट्र मान लो, विभिन्न जो संगठन है, समुदाय है, उनका मान लो, तो इनका हम सब का अध्ययन किस में करते हैं, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन में इनका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ नई विश्व अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में प्रयोग हुआ है, जबकि इस मसले के प्रति भारत की विदेश नीति राष्ट्र के संदर्भ में है, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि दोनों इतने अलग है कि उनमें कोई संबंध नहीं है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति से जुड़ी हुई है। विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र विदेश नीति से व्यापक है। विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। विदेश नीति जो ये फॉरेन पॉलिसी है, इसका अध्ययन है वो किसका, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इसी का ही क्या है, भाग है, इस बात का ध्यान रखना है। तो विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र विदेश नीति से व्यापक है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इसका संबंध सिर्फ विदेश नीति नहीं है, विदेश नीति से व्यापक है, विस्तृत है, बड़ा है, विशाल आकार में है, क्योंकि आईआर में हम संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो सारी बातें आती है उन संपूर्ण का क्या करते हैं अध्ययन, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो किसी राष्ट्र की विदेश नीति हो, चाहे उसके पड़ोसी देश हो, इसमें वो सारे आते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, व्यापक अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने जो राष्ट्रीय हित है, उन राष्ट्रीय हित क्या करते हैं, राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करते हैं, या राष्ट्रीय हित को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों की, और अपने अपने जो राष्ट्र हित है कि किस देश से अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम अगर किसी देश से बनाते हैं आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, तो उससे हमारे देश के राष्ट्रीय हित है उनकी क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं हमारे देश के जो राष्ट्रीय हित है उनकी क्या नहीं होती है, रक्षा नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले यही ध्यान रखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपने जो हर राष्ट्र यही चाहता है कि मेरे जो राष्ट्रीय हित है उनकी क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, और मेरे को क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। ये प्रक्रिया राष्ट्रों की विदेश नीति के माध्यम से ही काम करती है, जिस कारण विदेश नीति के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की मांग एक हद तक पूरा होती है। और ये प्रक्रिया राष्ट्रों की विदेश नीति के माध्यम से काम करती है, और ये प्रक्रिया है राष्ट्रों की जो विदेश नीति है इसके माध्यम से क्या होती है, राष्ट्रीय जो विदेश नीति है उसके माध्यम से होती है। ये प्रक्रिया राष्ट्रों की विदेश नीति के माध्यम से ही काम करती है, जिस कारण विदेश नीति के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की मांग एक हद तक पूरी होती है, और जिस कारण विदेश नीति के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो मांग है, अध्ययन की मांग है, वो काफ़ी हद तक क्या होती है, पूरी होती है। किससे, हम विभिन्न देशों की विदेश नीति का अध्ययन करने से। लेकिन विश्व क्षेत्र की दृष्टि से विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अधीन है, लेकिन विश्व क्षेत्र की दृष्टि से जो विदेश नीति, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, हम जो आईआर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम किसका अध्ययन करते हैं, विदेश नीति का अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है, आईआर है, वो विस्तृत और व्यापक है, और इसका ही भाग है कौन, विदेश नीति। इसी कारण हेरल्ड स्प्राउट, हेरल्ड
हेरल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट है ने विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उपश्रेणी माना है। हेरल्ड स्प्राउट और मार्गरेट जो स्प्राउट है, इन्होंने विदेश नीति को क्या माना है, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति उसका क्या माना है, उपश्रेणी माना है। विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उपश्रेणी माना है। इस प्रकार विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भिन्न होते भी दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। इस प्रकार विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। और ये व्यापक सब्जेक्ट IR जिसमें क्या आती है, विदेश नीति है, इसी का भाग है। तो यहाँ से हमारे जो विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, यहाँ से 4 नंबर वाला क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अच्छी तरह से इस टॉपिक को तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।